इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 6 बजे के थोड़ी देर बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो ने रविवार को कहा कि वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर मॉड्यूल की कक्षा को कम करने में कामयाब रहा है, जिससे चंद्रमा के और करीब आ गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर मॉड्यूल की अंदरूनी जांच की जाएगी। लैंडर मॉड्यूल या LM में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। इसके बुधवार 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। पहले इसरो ने कहा था कि टचडाउन 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगा। अब इसे 17 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है। 23 अगस्त 2023 की शाम 6:45 के करीब पावर डिसेंट शुरू होने की उम्मीद है। We have crossed very many steps, small steps but very important steps, and one of them was insertion into the lunar orbit. We have done it, and we have been also continuously reducing the altitude using thrusters. So deboosting, that's what we are calling it. So that has been going on very well, and this kind of a thing we have been doing well, and so probably we have a good understanding of it, and also the testing and the simulations are in hand in hand. So it's working well. So far so good, but we need to look at the last descent very carefully, but I'm pretty confident that it'll go well. चंद्रमा 3 मिशन का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर को गतिशील करना और इनसीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड ले जा रहे हैं। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतरिक्ष की खोज की दिशा में भारत की प्रगति की मिसाल है।